हेलो गाइस। तो चलिए आज का जो वीडियो टॉपिक है, ठीक है, आपका जो किचन जिम में आपने लगाया है इसमें ऑयल ड्रिपिंग हो रहा है, ठीक है, आपका कोई भी ब्रांड का हो सकता है, आपने जो चिमनी लगाया है उसमें ऑयल ड्रिपिंग का जो प्रॉब्लम आता है नॉर्मली उसको आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे होगा और ऑयल ड्रिपिंग प्रॉब्लम कौन सा कारण होता है जिसके वजह से होता है, ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑयल ड्रिपिंग चिमनी में जो हो रहा है उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे, खुद ही ठीक कर पाएंगे, ठीक है, नॉर्मली खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो इसका जो चार चार टोटल रीजन है, एक चिमनी से ऑयल ड्रिपिंग हो रहा है, आपका यहाँ से ऑयल ड्रिपिंग हो रहा है, लाइट से ऑयल ड्रिपिंग हो रहा है, पीछे से ऑयल ड्रिपिंग हो रहा है, कहीं से भी, मतलब आपका ये जो चिमनी है इसका नीचे हिस्सा हिस्सा से ऑयल ड्रिप हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, ठीक है, चार मेन रीजन है। एक तो प्रॉपर है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, मतलब ये जो चिमनी आप देख पा रहे हैं कैसे एकदम सीधा इंस्टॉल किया हुआ है, एकदम इस साइड से स्ट्रेट, देख एकदम स्ट्रेट है, पूरा स्ट्रेट, थोड़ा सा भी इधर भी नहीं इधर भी नहीं, ठीक है, एकदम पूरा स्ट्रेट है। तो आपको इस प्रकार एकदम प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। इंस्टॉलेशन थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा, इंस्टॉलेशन एकदम आपको प्रॉपर हुआ है आपको कैसे पता चलेगा, आप जो चिमनी लिए हैं उसका मैनुअल बुक में देखिएगा किस प्रकार एक चिमनी को इंस्टॉल करना चाहिए, खास करके जो मॉडल आप ले रहे हैं उसी का मैनुअल बुक में एकदम प्रॉपर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे स्क्रू देना है, कैसे इतना हाइट क्या होना चाहिए, सब कुछ उसका डिटेल्स में उसी मैनुअल बुक में दिया हुआ रहता है। तो उस हिसाब से आपको तो नॉलेज नहीं रहता है कि जो इंस्टॉल करेगा वो तो टेक्नीशियन ही कर देगा, आपको तो नॉलेज नहीं रहता है, तो इसीलिए मैनुअल बुक में सब कुछ डिटेल्स में दिया, आप मैनुअल बुक पढ़ के आप बता सकते हैं कि आप इस प्रकार से इंस्टॉलेशन करी कीजिए, या फिर जो ब्रांड का, जिस ब्रांड का आप चिमनी ले रहे हैं उस ब्रांड का ऑथोराइज सर्विस सेंटर से, ऑथोराइज सर्विस पर्सन से आप इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा, या फिर अनऑथोराइज किसी भी लोकल टेक्नीशियन पकड़ के आप ऑनलाइन में चिमनी ले लिए हैं इंस्टॉलेशन करवा दिए, तो वो लोग तो गलती तो करेगा ही, क्योंकि उनको हर मॉडल का इंस्टॉलेशन करने का आइडिया नहीं है और अच्छा सा नॉलेज नहीं रहता है, इसीलिए आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन अगर नहीं होगा इधर उधर हो जाएगा, तो उस वजह से एक तो इंस्टॉलेशन के वजह से आपका क्या होता है, जो ऑयल ड्रिपिंग का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, उसको प्रॉपर तरीके से, इंस्टॉलेशन के वजह से अगर आपका ऑयल ड्रिपिंग हो रहा है तो आपको पहले तो उसको प्रॉपर तरीके से दोबारा आपको टेक्नीशियन बुला के प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन को करवाना होगा, रीइंस्टॉलेशन करवाना। उसके बाद सेकेंड में होता है अनइवन वॉल सर्फेस, ये जो देख पा रहे हैं आप प्लेन आपका दीवाल, अगर पीछे का जो सपोर्ट दीवाल है जहां पर आप चिमनी लगा रहे हैं वो अगर प्लेन नहीं रहेगा, मान लीजिए आप चिमनी लगा रहे हैं एक प्लेन है उसका ऊपर आप टाइल्स लगा हुआ है, चिमनी होता है किचन में कि टाइल्स लगा हुआ है उसके ऊपर में आपका टाइल्स जो है नहीं है, तो उस जगह में होता क्या है, चिमनी अगर ऊपर में देंगे और नीचे वाला हिस्सा में टाइल्स रहेगा तो उस जगह में क्या होगा, चिमनी थोड़ा सा इस प्रकार हिलता, मतलब हिला हुआ रहेगा, मतलब थोड़ा सा बेंड हुआ रहेगा, तो उस टाइम में भी आपका क्या होता है, जो चिमनी का ऑयल, चिमनी में जो ऑयल ड्रिपिंग प्रॉब्लम होता है वो भी एक मेन रीजन है। तो ये जो वाल वाला प्रॉब्लम है इसको आप कैसे सही कर पाएंगे, उसको उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ऑथोराइज सर्विस पर्सन से, ऑथोराइज सर्विस सेंटर से द्वारा आपको उसको इंस्टॉलेशन दोबारा रीइंस्टॉलेशन करवाना होगा, एकदम प्रॉपर, एकदम पीछे वाला जो हिस्सा एकदम स्ट्रेट रहेगा, ये जो दिख पा रहे एकदम स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं रहना चाहिए, तभी जाके ये वाला प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर दो जो है प्रॉब्लम आपका, वो आपका इंस्टॉलेशन वजह से आपका प्रॉब्लम होता है, और एक तीसरा जो है लाइट्स, अगर चिमनी लाइट्स, अगर ऑयल ड्रिपिंग का प्रॉब्लम अगर आपका हो रहा है आपका चिमनी में, देन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए भी आपको टेक्नीशियन बुलाना होगा, टेक्नीशियन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होता है अंदर से, वो उसको आपको MMCL देकर उसको सील कर देगा, फिर वो आपका प्रॉब्लम वाला, वो भी लाइट से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए आपको सर्विस टेक्नीशियन बुलाना जरूरी है, जिस ब्रांड का चिमनी लिए उस ब्रांड का आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर में आपको फोन करना है, या फिर उस कस्टमर केयर में फोन करना है, वहां पर कंप्लेंट करना है कि आपका चिमनी से यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, ऑयल ड्रिपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, देन वहां से आके आपका चिमनी का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर देगा। अब जो आता है एक्सेस और ओवर यूज्ड, मतलब आपका एक चिमनी आपने जो लिए है आप इसमें जितना एक एक चिमनी का तो होता है कि दो वाला चिमनी आप मंथली 4 से 5 kg ऑयल का यूज वो कर पाएंगे, मतलब खींच पाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं एक्सेस ही, मतलब ऑयली खाना आप ज्यादा बनाते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है चिमनी का अंदर तो पूरा भर जा रहा है, उसके बाद भी धीरे धीरे क्या होता है यहाँ से फिल्टर से वो धीरे धीरे ऑयल ड्रिप होता रहता है इसके वजह से,
अत्यधिक ऑयल खाना बनाने की वजह से जितना खींचना चाहिए उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे? उसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आप खाना पकाने के बाद कैसे गैस ओवन को आप पहुंचते हैं, क्लीन करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम आपको इसका जो फिल्टर को जो नीचे का हिस्सा है इसको भी आपको रेगुलर बेसिस में क्लीन करना होगा। और उसका जो ऑयल कलेक्टर है, ये जो ऑयल कलेक्टर है इसके इसमें जो है ऑयल ड्रिपिंग होता है, ऑयल मतलब इसमें अगर ऑयल अगर जमा हो जाएगा तो क्या होगा, ऑयल फुल अगर हो जाएगा तो इसमें से भी ऑयल गिरेगा, तो इसको हर 15-10 मिनट में आपको क्लीन करना है, उसके बाद दोबारा लगाना। और जो है इसका जो और एक चीज है, फिल्टर रहता है, ये जो फिल्टर इसको इसको भी खोल के आपको क्लीन करना है, इसको भी खोल के ये जो फिल्टर है, फिल्टरलेस चिमनी अगर है या फिर बफल फिल्टर चिमनी आपका घर में है तो इसको भी आप लोग खोल के इसको भी आप लोग क्लीन कर सकते हैं। कैसे खोलेंगे, देखिए एकदम इजी है, इसका सर नीचे के हिस्से को और इसको भी क्लीन करना है रेगुलर बेसिस में, और इसको क्लीन करेंगे तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है आप खुद से ही ऑयल ड्रिपिंग का जो प्रॉब्लम है आपके वजह से हो रहा है वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद और एक जो चीज यहाँ पर दिया गया, देखिए देखिए हमने खोल लिए, अभी ये फिल्टर लेस था जिसके वजह से देखिए इसका अंदर से भी अगर अंदर से कहीं से गिर रहा है तो उसके वजह से आपको टेक्नीशियन को बुलाने का जरूरत है, अगर अंदर से कहीं से भी ऑयल ड्रिपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ से डायरेक्ट आपका जो खाना पका रहे हैं वहां पर गिर रहा है तो फिर आपको टेक्नीशियन का बुलाने की जरूरत है, क्योंकि वो मेजर क्लीनिंग का जरूरत है। अंदर में जो ब्लोअर वगैरह देखो पंखा लगा हुआ है, वो पंखा पंखा जब घूमता है, ठीक है देखिए अभी ये देखिए पंखा देखिए घूम रहा है, देखिए घूम रहा है तो वहाँ वो जाम हो जाता है, वहां से ऑयल इधर से यहाँ से होके ऑयल ड्रिप होता है, तो उसके लिए आपको टेक्नीशियन को बुलाने का जरूरत है, और हर 3-4 महीना बाद बाद आपको क्या है मेजर क्लीनिंग का जरूरत है, मतलब चिमनी को आप ऊपर ऊपर से तो क्लीन करेंगे ही लेकिन आपको मेजर क्लीनिंग भी करना होगा, मतलब चिमनी को अंदर को भी क्लीन करना जरूरी है, तभी जाके आपका जो चिमनी का जो ऑयल ड्रिपिंग का जो प्रॉब्लम है वो आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा और प्रॉब्लम आपका कभी भी होगा नहीं, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस में आप ऑटो क्लीन कीजिएगा हर हफ्ता में, रेगुलर बेसिस में आपको नीचे का हिस्सा को चिमनी के नीचे के हिस्सों को क्लीन करना है, और ऑयल कलेक्टर में जो ऑयल जमा होता है इसको भी क्लीन करना है, तो भी आपका जो चिमनी का ऑयल ड्रिपिंग का जो प्रॉब्लम है ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल गया होगा, इसी प्रकार का आपको अगर हेल्पफुल वीडियो आगे भी चाहिए होगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, अगर ये सब करने के बाद भी अगर चिमनी का आपका ऑयल ड्रिपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो जरूर देन कमेंट कीजिएगा, हम आपको कैसे का आपको ठीक करना है वो बता देंगे, प्लस आने वाला जो दो वीडियो में उसका भी डिटेल्स बता देते हैं। आने वाला जो दो वीडियो है आपका घर में अगर गैस ओवन है उसका अगर ऑटो इग्निशन वाला ऑटो इग्निशन नहीं कर रहा है, वो आपका फायर नहीं हो रहा है, डेस्लाइट से आपको काम चलाना पड़ रहा है, उसको कैसे ठीक करेंगे उसका वीडियो आएगा। और सेकेंड आपका गैस ओवन जो यूज कर रहे हैं उसमें अगर येलो फ्लेम आ रहा है जिसके वजह से आपका बर्तन में काली हो जा रहा है, मतलब काला हो जा रहा है, तो उसको कैसे सही कर पाएंगे उसका भी वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और चिमनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपका अगर हो रहा है तो जरूर कमेंट में बताएंगे, उसका सलूशन कैसे करना है हम बता देंगे और फिर अलग से वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।